नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एरिस्टोजाइम सिरप के बारे में। इस सिरप का उपयोग किन किन कंडीशन में किया जाता है, इसके क्या यूजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, कंपोजिशन, प्राइस और इसे कितनी मात्रा में लिया जाता है और इस सिरप को लेने पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो आज की वीडियो में आपको इन्हीं सब के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं एरिस्टोजाइम सिरप की। तो एरिस्टोजाइम सिरप को एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसके 200 ml की पैकिंग की प्राइस जो है, ये सिरप आपको 120 रुपये से लेकर 125 रुपये में मार्केट में मिल जाता है। और अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर डाइस्टेस और पेप्सिन, ये दो साल्ट होते हैं। इसमें जो है डाइस्टेस और पेप्सिन दोनों ही सिंथेटिक डाइजेस्टिक एंजाइम्स होते हैं जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट से रिलेटेड जो परेशानियां होती हैं उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह सीरप और टैबलेट्स फॉर्म में आपको मिल जाता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका उपयोग डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उनको ठीक करने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, मतलब उसको खाना अच्छे से नहीं पच रहा हो, तो उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति का स्टमक फुलनेस लग रहा हो, पेट जो है भरा हुआ व्यक्ति को लगता है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा हो, तो उस समय ये सिरप जब व्यक्ति को दी जाती है तो उसे बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है फ्लैचुलेंस, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को पेट जो है फूला फूला सा लगता है, व्यक्ति को अफारा की समस्या होती है, तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को गैस और एसिडिटी की समस्या होती है तो उस कंडीशन में भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है स्टार्च इनडाइजेशन, जिसमें व्यक्ति को जो है स्टार्च जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग यदि किसी व्यक्ति को हिकअप्स की प्रॉब्लम होती है, व्यक्ति को हिचकियाँ आती हैं, तो उसके ट्रीटमेंट में भी इस डाइजेस्टिक एंजाइम सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है वेट गेन, वजन को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। जब व्यक्ति जो है खाना खाता है और उसका खाना जो है अच्छे से नहीं पच पाता है, तो खाने में मौजूद जो है फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो बॉडी को अच्छे से नहीं लग पाते हैं, तो ये डाइजेस्टिक एंजाइम जब व्यक्ति सिरप लेता है तो खाने में मौजूद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो हैं शरीर को अच्छे से लगने लगते हैं, तो जिससे क्या होता है व्यक्ति का वजन भी बढ़ जाता है। अब जान लेते हैं इसकी डोजेस के बारे में। तो एक एडल्ट व्यक्ति के लिए इस सिरप को 15 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद उपयोग में लिया जा सकता है। अब जान लेते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर होते हैं, फिर भी एक आध पर्सन में साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में व्यक्ति को ब्लैक स्टूल हो सकता है, स्टमक जो है वो अपसेट हो सकता है, व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इसके अलावा व्यक्ति को डायरिया हो सकती है, स्किन में रैसेस हो सकते हैं, नौजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिले तो इस दवा का उपयोग करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये थी कुछ एरिस्टोजाइम सिरप की जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।